जय जय गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में सरसत नमन। गुरुदेव हम दीपावली के दिन दिए जलाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और आज तक हम लोग सर गुरुदेव वही जलाते चले आ रहे हैं, क्या ये सही है कि गलत है? देखिए एक एक प्रकार के पदार्थ का एक एक परिणाम है। घी से दिया जलाओगे तो समृद्धि आरोग्य और शांति प्राप्त होगा। तेल में तिल के तेल से दिया जलाओगे तो घर में शक्ति और शत्रुओं से रक्षा होगी। सरसों के तेल से जलाओगे तो किसी घर में तंत्र यंत्र मंत्र से वो घर बंधित हो, किसी प्रकार के घबराहट या किसी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों से परिपूर्ण रूप से परेशानी हो उस घर में, तो ही सरसों के तेल से दिया जलाना चाहिए। अगर आप घी का दिया जलाते हैं घर में तो लक्ष्मी का वास और शांति रहता है। नीम के तेल से जलाते हैं तो भूत बाधा प्रेत बाधा आदि मिट जाती है। तिल के तेल से जलाते हैं तो शत्रु भय से रक्षा और भैरव काली आदि उग्र देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। सरसों के तेल से जलाते हो तो तंत्र मंत्र यंत्र बाधा से मुक्ति और विभिन्न परेशानी से मुक्ति होती है। सरलता से घर में लक्ष्मी उपासना के लिए, लक्ष्मी की कृपा के लिए, घर में शांति सुख के लिए दिया जलाते हो तो घी का ही जलाना चाहिए, घी का दिया ही करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। माता जी कहाँ से आए थे भाई? बालराम कहाँ से आए माता जी? गुरुदेव मैं बाराबंकी से आई हूँ, और आज गुरुदेव हम आपके दरबार में पहली बार आए हैं। आशीर्वाद। और गुरुदेव हम आज अपने बच्चे को लेकर बस सब छोड़ छाड़ के चले ही आए हैं गुरुदेव। एक दिन सबको छोड़ छाड़ के ही जाना है। अभी 10 दिन के लिए हम आए हैं, छोड़ छाड़ के नहीं आए हैं। राम जी को पकड़ने आए हैं, छोड़ छाड़ के नहीं आए हैं। हम आपका आशीर्वाद लेने बिल्कुल बिल्कुल माता जी बिल्कुल। शुक्रवार के दिन जो दीपक ले खरीदने का है हमको नमक, वो आखा मतलब पूरा के पीसा हुआ नमक, साबुत नमक पूरा आका नमक खरीदना, 8 किलो खरीदना या 800 ग्राम खरीदना, या तो 8 किलो खरीद के अपने बड़ी भरनी में भर के रखो या 800 ग्राम खरीदिए। शास्त्र कहता है कि हम कोई भी धर्म आराधना करते हैं तो कलश जल स्थापित करके करते हैं, और जल का अगर कोई प्रथम प्रोडक्ट है, प्रथम उत्पत्ति है, तो वो नमक है। नमक लक्ष्मी का, भगवान का, सब का कृपा पात्र वस्तु माना जाता है, और इस धरती में बिना नमक का किसी का कोई भोजन नहीं बनता है। शास्त्र कहता है कि धनतेरस के दिन जो नमक खरीदता है उसके घर में लक्ष्मी का शाश्वत निवास होता है।